कि लोगों को न्यायपालिका से न्याय अंतिम विकल्प अब दिख रहा है, जो पहला विकल्प होना चाहिए। न्याय क्यों देर से हो रहा है? क्योंकि अदालतों की कमी है। कितनी कमी है? इतनी कमी है कि आप उच्च न्यायालयों में जाइए, हर एक कोर्ट में एक दिन 300, 200, 250 मुकदमे लगते हैं। यह अपने आप में संविधान के विरुद्ध है, यह अतार्किक है, यह संभव ही नहीं है कि एक दिन में दो इतने मुकदमे लगा दिए गए कोई भी ह्यूमन बीइंग सुन पाएगा। और अगर सुन लेगा कोई जज तो पक्षकार को नहीं सुन रहा होगा, निश्चित है। जजों पर इतना भार क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि जजेस की संख्या कम है। तो फिर जज महोदय क्या करेंगे? उनको भी इतने सारे मामले देखने, जरा वहां बैठ के सोचिए, कल्पना करिए कि इतने मामले आपके सामने हैं, फटाफट निपटाएंगे, ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर किसी मामले को देर तक सुनते हैं तो नीचे के मामलों में तारीख पे तारीख पड़ती है। आप अपने क्लाइंट से बताते हैं आज तारीख लगी है, और शाम तक बड़ी उम्मीद से पूछता वकील साहब क्या हुआ, आप कहते हैं सुनवाई पर नहीं आया। उसको हमारे आप पे शक होता है। तो हमारी लड़ाई किसके लिए होनी चाहिए? हमारी लड़ाई अपने लिए सीधे नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई जनता के लिए होनी चाहिए। जिस दिन हम जनता के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, ये भारतवर्ष की जनता वैसे ही हमें अपना नायक मानेगी जैसे आजादी के समय नायक मान रही थी। इसके सब कोर्ट खास बना दी जाती है, उसी जिला अदालत में जो नॉर्मल कोर्ट है उसी में से तीन जज साहब उठा करके स्पेशल बना दिए जाएंगे। भाई ये इनका काम फिर कौन करेगा? क्या देश हमारा गरीब है? और गरीब से गरीब मुल्क में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? न्याय। क्योंकि जहां न्याय नहीं होगा वहां शोषण होगा। तो न्याय कोई सुबह के झाड़ू जैसा है, जिस घर में न लगाया जाए उस घर में प्रदूषण फैलेगा और हम संक्रमित हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। समाज बीमार पड़ गया है और इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं करेगा, हम वकील लोग करेंगे। हमें, मैं फिर से कहने जा रहा हूं कि हमें अदालतों की संख्या बढ़वाने का और उसमें जजेस को नियुक्त करवाने का बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करना होगा। इससे क्या मिलेगा? सबसे पहले प्रत्यक्ष लाभ की बात कर लेता हूं, समाज को क्या लाभ मिलेगा सबसे अंत में बताऊंगा। इस नाते निवेदन है कि समय निकालकर, आप अधिवक्ता बंधु हैं तो अधिवक्ता लोग और सामान्य जन हैं तो आप भी मेरे इस बात को पूरा सुनिएगा और फिर उस पर अपना कमेंट करिएगा। पक्ष में इतने कानून बने, तलाक के कानून बने, भरण पोषण के कानून बने, दत्तक ग्रहण के कानून बने। आप सोचिए, आजादी के पहले तो ये कानून थे ही नहीं, तो आज आजादी के पहले की तुलना में कितनी ज्यादा अदालतें हो जानी चाहिए। अगर हम आंदोलन करें तो हमारे आंदोलन का पहला बिंदु होना चाहिए कि उच्च न्यायालय की कोई भी कोर्ट एक दिन में 50 मामले से ज्यादा लिस्ट नहीं करेगी। इसमें जजेस का कोई दोष नहीं है, सरकार का दोष है कि 10 बजे से 4 बजे तक जो जज बैठ के केस देख रहा है उसको 300 केस दिए जा रहे हैं। और हम वकील लोग तो अपना जो केस होता है वो तैयार करके केवल जाएंगे, उनको पूरा 300 केस पढ़ के आना होता है। समाज में क्या फैल रहा है आजकल? ये जज साहब लोग तो घूमते हैं, छुट्टी मनाते हैं, कुछ करते नहीं है, और हम इस पर चुप बैठे हैं। ये सवाल हमारे पर है, ये आक्षेप है, लांछन हमारे पर है। ये हमें बताना पड़ेगा जनता को कि आप चलिए हाईकोर्ट में देखिए कि 300 केस एक जज को देखना होता है और सारी फाइलें उनको समझनी होती है। 300 केस कैसे, कौन सी रफ्तार से देखेंगे? तो फिर करते क्या है? नॉट प्रेजेंट, नॉट मेंशन, नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट को तो आपने रोका सी आरपीसी में, सीपीसी में डे टू डे हियरिंग का प्रोविजन किया। जब संसद बना रही है सीपीसी सीआरपीसी में प्रोविजन कि डे टू डे हियरिंग होगी, तो उसी समय हमको सरकार से पूरे भारत के वकीलों को आंदोलन करके उसको प्रवर्तित करने की मांग कर देनी चाहिए कि ये डे टू डे हियरिंग जो आप लिख रहे हैं, भारत में जो वर्तमान में मुकदमों की संख्या है, इसके आधार पर कितने जजेस भारत में होने चाहिए कि डे टू डे हियरिंग हो पाए। लेकिन हम वहां प्रोविजन हो जाता है, छोड़ देते हैं। हमारे सारे हड़ताल, हमारे पर जब सीधे कोई हमला होता है, आक्षेप होता है, हमारे हितों की हानि होती है, तभी हम करते हैं। जिस दिन से हम वकील बंधु, जिस दिन से अधिवक्ता साथी समाज के साथ हो रहे अन्याय के लिए व्यापक आंदोलन छेड़ देंगे, ये जनता हमारे साथ खड़ी हो जाएगी और हमें वैसे ही अपनी स्थिति पर बैठाएगी जैसे आजादी के पहले हमें नायक मान दी थी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देश में अगर न्याय की मांग हम करेंगे, तभी हमारी जिंदगी में उजाला आएगा, तभी हमें सम्मान मिलेगा, तभी हमें धन मिलेगा, तभी हमें समृद्धि मिलेगी और तभी हमारे महत्व को समाज समझ पाएगा और तब हम समझ पाएंगे कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। आज मैं बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो हमारे अधिवक्ता साथियों से जुड़ी हुई है। अधिवक्ता साथियों, हम सबको अपने महत्व को और देश के लिए अपनी जरूरत को समझने का समय आ गया है। एक समय ऐसा था जब हमारे कहने पर यह देश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाता था। मैं बात कर रहा हूं आजादी की लड़ाई की। आज का समय ऐसा आ गया कि हमारे ऊपर ही लाठियां चल जा रही हैं पुलिस की, तो हमारे आंदोलन में जनता का साथ नहीं मिल रहा है। हम जनता के लिए काम करते हैं लेकिन जनता का हमें साथ
उस तरह से नहीं मिल रहा है जिस तरह से मिलने पर न केवल हमारा भरोसा बढ़ता बल्कि हमारे खिलाफ कोई उल जुलूल हरकत करने से सरकारें भी डरती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने इस हल्केपन को कैसे ऊपर ले चले? हमारे समग्र अधिवक्ता समाज का विकास कैसे हो? सबसे पहली बात कि हमें अपना महत्व समझना होगा कि हम अधिवक्ता लोग इस देश में कौन लोग हैं। तो देश के शासन के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पूरा एक अंग हम गठित करते हैं। विधायिका भी देश भर के लोगों से मिलकर बनती है, कार्यपालिका भी देश भर के तमाम तरह के लोगों से मिलकर बनती है, लेकिन न्यायपालिका एक जो अंग है वह केवल और केवल हम अधिवक्ताओं से ही बनता है। वह उसके लिए किसी और की जरूरत न है, न किसी को प्रवेश की अनुमति है। यानी शासन के तीन अंगों में से एक प्रमुख अंग पर हमारा दायित्व है। मैं नहीं कहूंगा हमारा नियंत्रण, हमारा दायित्व है। हम भारत की न्यायपालिका हैं समग्र रूप से अगर देखा जाए तो। न्यायाधीश भी हमारे ही में से हैं। अब सवाल यह है कि तो एक प्रमुख अंग का 99% हम हैं, इसके बावजूद भी हमारी ही दशा क्यों नहीं सुधर रही है और देश में हमारा योगदान देश क्यों नहीं महसूस कर पा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है, कि लोगों को न्यायपालिका से न्याय अंतिम विकल्प अब दिख रहा है। जो पहला विकल्प होना चाहिए अब वो अंतिम विकल्प दिख रहा है। सबसे पहले लोग नेता मंत्री के दरबार में फरियाद लगा रहे हैं, जब वहां से भी नहीं मिल रहा है और कोई रास्ता नहीं बच रहा है तब लोग अदालतों की तरफ आ रहे हैं, या फिर क्रिमिनल केसेस जो पुलिस लेकर आती है अनिवार्य रूप से वो आ रहे हैं, और या फिर लोग किसी को केस के जरिए प्रताड़ित करवाने के लिए अदालतों तक आ रहे हैं। कुल मिलाकर न्याय के लिए अदालत आने वालों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। जब तक हम इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम इस देश के लिए अपनी भूमिका नहीं समझेंगे, और जब भूमिका समझेंगे नहीं तो उसका निर्वहन नहीं करेंगे, और निर्वहन नहीं करेंगे तो देश हमें हमारी भूमिका के लिए महत्व कैसे दे सकता है? एक केस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा दृष्टांत स्वरूप। बहुत पुराना 1904 का एक केस है, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का 15 दिसंबर 1904 का जजमेंट है। केस का नाम है एम्परर वर्सेस रजा हुसैन, सम्राट बनाम रजा हुसैन। इसका उल्लेख मैंने अपने इस किताब में भी किया है। मैं इस केस का तथ्य सुनाऊंगा, निर्णय बताऊंगा 30 सेकेंड में, सिर्फ इसलिए कि मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आज के समय में ऐसी घटना होती तो यह मामला हाई कोर्ट तक जा पाता? घटना क्या थी? दो लोग बनारस में ट्रेन पर बैठते हैं, जिसमें एक महिला है, बूढ़ी महिला है, अनपढ़ महिला है, सामान्य जनरल बोगी का टिकट है। वो महिला अपने साथ बैठे एक यात्री को टिकट दिखाकर कहती है कि भैया देखो ये अयोध्या का टिकट है। उस आदमी के पास खुद का अपना बनारस कैंटोनमेंट का टिकट होता है, बहुत ही छोटी दूरी का। जब महिला का टिकट पढ़ता है उस टिकट को रख लेता है और बहाने से अपना उसको कम दूरी का टिकट दे देता है। महिला बाद में टिकट चोरी के लिए पकड़ी जाती है, वह बताती है, उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उस पर केस चलता है, लोअर कोर्ट में चलता है, तब तो हाई कोर्ट में आया होगा। अदालत उसे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में दोषी ठहराती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है, इतना छोटा केस उस जमाने में जबकि लोग कम पढ़े लिखे थे, जबकि हर जगह वकील लोग उपलब्ध नहीं थे, हर जगह अदालतें नहीं थी, जिला मुख्यालय बहुत दूर दूर हुआ करते थे, हाई कोर्ट आने में पूरा 3 दिन लग जाता रहा होगा, लोगों के पास किराए के साधन नहीं रहे होंगे, सवारियां नहीं रही होंगी, लेकिन मामले आते थे। आज कोई मामला इस तरह से अगर आने लगे तो कल्पना करिए कितने केसेज आएंगे अदालतों में। और हम वकील लोग क्या है,
हम वो दुकानदार हैं जो न्याय के सड़क पर अपनी दुकानें सजाकर बैठे हैं। समझिएगा मेरे इस दृष्टांत को। इस रास्ते से जितना ज्यादा लोग जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारी दुकान चलेगी, हमारी जिंदगी समृद्ध होगी, हमारा योगदान देश में होगा। लेकिन ये क्या, न्याय के लिए इस रास्ते से लोग नहीं जा रहे हैं, न्याय के लिए लोग जा ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं इस पर चर्चा करते हैं। पहले जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं बहुत पहले किसी सेमिनार में एक दृष्टांत बोला था, वही यहां भी बोलूंगा। एक स्कूटर और एक बाइक वाले की टक्कर हो जाती है, तीन चीजें टूटती हैं। शरीर को चोट लगती है तो शरीर, जिसके लिए डॉक्टर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, मेडिकल हॉल चाहिए। दूसरा स्कूटर बाइक टूट जाती है, उसके लिए मैकेनिक चाहिए और वो मटेरियल चाहिए जो टूट गया। और तीसरा लीगल राइट्स टूटे हैं, किसकी गलती से वो हादसा हुआ, इसके लिए पुलिस चाहिए, वकील चाहिए, अदालत चाहिए। तीन अधिकारों में से जो उसके शरीर पर जख्म आए हैं, अगर वो खुद चलकर जाने लायक है तो स्वयं जाएगा, और नहीं जाने लायक है तो समाज के लोग उसको उठाकर ले जाएंगे, लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट के पास वो जाएगा। समझिए, एक जगह मेडिकल डिपार्टमेंट वाले भी दुकान लगा के बैठे, इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, दुकान का मतलब सेवा भाव। वहां उनको सेवा करने का मौका जरूर मिलेगा, मेडिकल हॉल पे जो दवा बेचने वाला व्यक्ति है उसको दवा बेचने का जरूर मौका मिलेगा। यानी जो उसको शरीर को चोट लगी, शरीर जो टूटी, उसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में वो जाएगा। किसी डॉक्टर के पास जा और किसी मेडिकल शॉप पे जा, लेकिन जाएगा। जो उसकी बाइक स्कूटर टूट गए, किसी भी मैकेनिक के पास जब उसके पास समय होगा वो जाएगा, ले जाया जाएगा। तो मैकेनिक लोग जो दुकान लगा के बैठे हैं उनके रास्ते पर भी लोग जा रहे हैं और उनको भी सेवा का अवसर मिल रहा है, उसके जरिए वो देश की सेवा कर रहे हैं, उनका जीवन समृद्ध हो रहा है। लेकिन आप बताइए कि कितने ऐसे मामलों में लोग वकीलों के माध्यम से अदालत तक जाते हैं और न्याय पाते हैं। तो वकालत में जो आए हैं वो पीछे नहीं होंगे, मेडिकल हॉल के लोग आगे हो गए, सेवा उनको देने का मौका लोगों ने दिया। जो मोटर मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक है, उनको मौका लोगों ने दिया, लेकिन हमको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या हम दोषी हैं? जी नहीं, लेकिन समाज में बदनाम हम हैं। किस बात के लिए? कि अदालतों से न्याय मिलने में दो दो तीन तीन चार चार दशक लग रहे हैं और इसके लिए लोग वकीलों को दोषी मानते हैं। अगर आप जनता की सामान्य आवाज को सुनेंगे तो वह हमारे लिए कोई बहुत अच्छी नहीं रह गई है, जबकि हम उसके दोषी नहीं है। इंडिविजुअल जो क्लाइंट आपके पास आएगा वो तो आपसे आदर भाव से बात करेगा, लेकिन एक जन सामान्य की सोच हमारे लिए उम्मीद भरी नहीं है, कम हो गई है, जिसका पैमाना है कि हापुड़ में जिस तरह से अधिवक्ता साथियों पर लाठी बरसाई गई पुलिस के द्वारा, जितनी निर्ममता से हमारे आंदोलन में जनता का भी समर्थन मिल गया होता। यह नहीं मिलना दर्शाता है कि जब समाज में से किसी को अदालत तक आने की जरूरत होती है वो हमारे लिए फिर जुटाता है, हमारे पास आता है, अपनी बात कहता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, जैसे वो कह सकता है कहता है। लेकिन एक समग्र समाज के रूप में हमने भारत में अपना विश्वास थोड़ा कम कर लिया है। क्या इसके लिए हम गुनहगार हैं? जी नहीं। न्याय क्यों देर से हो रहा है? क्योंकि अदालतों की कमी है। कितनी कमी है? इतनी कमी है कि आप उच्च न्यायालयों में जाइए, हर एक कोर्ट में एक दिन 300, 200, 250 मुकदमे लगते हैं। ये अपने आप में संविधान के विरुद्ध है, ये अतार्किक है, ये संभव ही नहीं है कि एक दिन में जो इतने मुकदमे लगा दिए गए कोई भी ह्यूमन बीइंग सुन पाएगा। और अगर सुन लेगा कोई जज तो पक्षकार को नहीं ही सुन रहा होगा, ये निश्चित है। ऐसा हो क्यों रहा है? जजों पे इतना भार क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि जजेस की संख्या कम है। तो फिर जज महोदय क्या करेंगे?
उनको भी इतने सारे मामले देखने, जरा वहां बैठ के सोचिए, कल्पना करिए कि इतने मामले आपके सामने हैं, फटाफट निपटाएंगे, ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर किसी मामले को देर तक सुनते हैं तो नीचे के मामलों में तारीख पे तारीख पड़ती है। आप अपने क्लाइंट से बताते हैं आज तारीख लगी है, वो शाम तक बड़ी उम्मीद से पूछता है, वकील साहब क्या हुआ? आप कहते हैं सुनवाई पर नहीं आया। उसको हमारे आप पे शक होता है। तो हमारी लड़ाई किसके लिए होनी चाहिए? हमारी लड़ाई अपने लिए सीधे नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई जनता के लिए होनी चाहिए। जिस दिन हम जनता के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, ये भारतवर्ष की जनता वैसे ही हमें अपना नायक मानेगी जैसे आजादी के समय नायक मान रही थी। हमें लड़ाई कौन सी लड़नी है? हमें लड़ाई दो लड़नी है, अदालतों की संख्या बढ़वाने की। जी हां, केवल खाली पड़े पदों को भर देने भर से अदालतें मजबूत नहीं होंगी। जितनी बड़ी आबादी है और जितनी बड़ी संख्या में लोग शिक्षित हुए हैं, जितनी बड़ी संख्या में अधिकार बनाए गए हैं, उसके अनुपात में अदालतें नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है, स्पेशल कोर्ट्स के प्रोविजंस हैं, स्पेशल कोर्ट्स कहां से बना दी जाती है? उसी जिला अदालत में जो नॉर्मल कोर्ट्स है उसी में से तीन जज साहब उठा करके स्पेशल बना दिए जाएंगे। भाई ये इनका काम फिर कौन करेगा? क्या देश हमारा गरीब है? और गरीब से गरीब मुल्क में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? न्याय। क्योंकि जहां न्याय नहीं होगा वहां शोषण होगा। तो न्याय तो सुबह के झाड़ू जैसा है, जिस घर में न लगाया जाए उस घर में जीवन सुरक्षित नहीं बल्कि असुरक्षित हो जाएगा, प्रदूषण फैलेगा और हम संक्रमित हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। समाज बीमार पड़ गया है और इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं करेगा, हम वकील लोग करेंगे। हमें, मैं फिर से कहने जा रहा हूं कि हमें अदालतों की संख्या बढ़वाने का और उसमें जजेस को नियुक्त करवाने का बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करना होगा। इससे क्या मिलेगा? सबसे पहले प्रत्यक्ष लाभ की बात कर लेता हूं, समाज को क्या लाभ मिलेगा सबसे अंत में बताऊंगा। इस नाते निवेदन है कि समय निकालकर, आप अधिवक्ता बंधु हैं तो अधिवक्ता लोग और सामान्य जन हैं तो आप भी मेरे इस बात को पूरा सुनिएगा और फिर उस पर अपना कमेंट करिएगा। पहला आंदोलन का लाभ, आंदोलन से होने वाला पहला लाभ कि जितनी अदालतें बनेंगी, अदालतों में जज कौन बनते हैं? जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वही बनते हैं। तो हमारे ही भाई बंधु को उसमें जज बनने का मौका मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। जब कभी अदालत बनती है तो केवल एक जज से नहीं काम चलता, उसके तमाम स्टाफ लगाए जाते हैं। तो जितने स्टाफ लगाए जाएंगे उतना रोजगार में, उतना नौकरी बनेगी, सरकारी सेवा में लोग आएंगे, समाज को लाभ। लेकिन प्रत्यक्ष लाभ हम वकीलों को सीधे सीधे हुआ। दूसरा लाभ क्या होगा कि जितनी ज्यादा अदालतें होंगी, मामलों का निपटारा उतना जल्दी होगा। और जब मामलों का निपटारा जल्दी जल्दी होगा, जब गांव का एक व्यक्ति देखेगा कि फला उसको दो थप्पड़ मारा तो उसको चार दिन की सजा हो गई, उस पर 100 रुपए का जुर्माना हो गया, तो अगले दिन कोई किसी को मारेगा तो अब वो किसी बाहुबली के पास नहीं जाएगा, वो फौरन वकील साहब के पास जाएगा, क्योंकि अदालत से न्याय तक पहुंचने के लिए वकील के माध्यम से ही जाना होता है। तो जिस दिन अदालतों के जरिए तेज फैसले होने लगेंगे, लोग अदालतों तक जाना शुरू कर देंगे, तो जो हमारी दुकानें लगी हैं जिस सड़क पर, इधर रेला लग जाएगा, भीड़ लग जाएगी। मैं बार बार सोचता हूं, जब अध्यापन करता हूं, पढ़ाता हूं, कि अगर हम केवल सन 2000 से देखें, सन 80 से देखें, सन 90 से देखें, जब से भी आप एक पैमाना तान लीजिए, इतने अधिकार वाले कानून बन गए कि उन कानूनों से इतने मुकदमे आने चाहिए अन्याय को रोकने के लिए। यानी बहुत से अन्यायकारी कृत्यों को कानून बनाकर दंडनीय या निषिद्ध बना दिया गया, जीवन के बहुत सारे नए आयाम खुल गए। तो फिर तो इन पर मुकदमेबाजी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि जहां अधिकार है वहीं अधिकार का अतिक्रमण होगा, जहां अधिकार का अतिक्रमण होगा वहीं न्याय की जरूरत होगी, जहां न्याय की जरूरत होगी वहीं लोग न्यायपालिका तक जाएंगे, और जहां न्यायपालिका तक जाएंगे वहां अधिवक्ता की सेवाएं लेंगे। लेकिन ये क्या, वकीलों की जिंदगी तो और खराब होती जा रही है। मैं तुलना कब से कर रहा हूं? आजादी के पहले के वकीलों से। और मैं एक सामान्य चर्चा कर रहा हूं, 2-4, 10-20 या 1-2%
बड़े वकीलों के आधार पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो बड़े हैं हमारे लिए आदरणीय है आदर्श, लेकिन हम सबकी बात कर रहे हैं जिसको देश से जोड़कर कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, आप जरा बताइए, कानून कौन कौन से बन गए? आईटी एक्ट पूरा बन गया, आज भी साइबर ठग पैसा उड़ा लेते हैं, कितना केस हम लोग कर पा रहे हैं। कार्यस्थल पर छेड़खानी का अधिनियम बनाया गया 2013 में, पहले ऐसा नहीं था, हम उसमें कितना काम कर पा रहे हैं, कितने केस हमारे पास आते हैं। लोग रफा दफा कर लेते हैं, कर ले अच्छी बात है, लेकिन अगर संतुष्टि से कर लेते हैं तब तो ठीक है, अगर वो इसलिए कर लेते हैं कि कौन अदालतों के चक्कर में पड़ेगा, तो फिर ये हमारे ही लिए नहीं देश के लिए भी शर्मनाक है, और ये शर्मनाक का सबसे बड़ा कोई दाई है तो हम है, क्योंकि हमें ही न्याय देने के लिए लाइसेंस दिया गया है, हम ही न्यायपालिका पूरे अंग के 99% है। महिलाओं के पक्ष में इतने कानून बने, तलाक के कानून बने, भरण पोषण के कानून बने, दत्तक ग्रहण के कानून बने, आप सोचिए आजादी के पहले तो ये कानून थे ही नहीं, तो आज आजादी के पहले की तुलना में कितनी ज्यादा अदालतें हो जानी चाहिए। अगर हम आंदोलन करें तो हमारे आंदोलन का पहला बिंदु होना चाहिए कि उच्च न्यायालय के कोई भी कोर्ट एक दिन में 50 मामले से ज्यादा लिस्ट नहीं करेगी। आप 10 बजे से 4 बजे तक केस देख रहे हैं, इसमें जजेज का कोई दोष नहीं है, ये इतना प्रेशर है, सरकार का दोष है कि 10 बजे से 4 बजे तक जो जज बैठ के केस देख रहा है उसको 300 केस दिए जा रहे हैं, और हम वकील लोग तो अपना जो केस होता है वो तैयार करके केवल जाएंगे, उनको पूरा 300 केस पढ़ के आना होता है। समाज में क्या फैल रहा है आजकल, ये जज साहब लोग तो घूमते हैं, छुट्टी मनाते हैं, कुछ करते नहीं है, और हम इस पर चुप बैठे हैं। ये सवाल हमारे पर है, यह आक्षेप है, लांछन हमारे पर है, ये हमें बताना पड़ेगा जनता को कि आप चलिए हाई कोर्ट में देखिए कि 300 केस एक जज को देखना होता है, और सारी फाइलें उनको समझनी होती है। चार लोग अगर आकर के मोहल्ले के अपनी अपनी प्रॉब्लम बताने लगे आप भाग जाओगे, सुनो कि नहीं, उनको 300 केस देखना होता है। 300 केस अपने आप में असंवैधानिक, अतार्किक, असंवैधानिक का मतलब संविधान के किसी प्रावधान से खंडित नहीं हो रहा है लेकिन संविधानवाद के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान हमको नेचुरल जस्टिस में सुनवाई का अवसर देता है। 300 केस 10 बजे से 4 बजे तक में कैसे देख लिया जाएगा? एक घंटे का लंच निकाल दीजिए, 5 घंटे की अदालत, 6 घंटे मान लीजिए, 300 केस कैसे, कौन सी रफ्तार से देखेंगे? तो फिर करते क्या है, नॉट प्रेजेंट, नॉट मेंशन, नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट को तो आपने रोका सीआरपीसी में, सीपीसी में डे टू डे हियरिंग का प्रोविजन किया। जब संसद बना रही है सीपीसी सीआरपीसी में प्रोविजन कि डे टू डे हियरिंग होगी, तो उसी समय हमको सरकार से पूरे भारत के वकीलों को आंदोलन करके उसको प्रवर्तित करने की मांग कर देनी चाहिए कि ये डे टू डे हियरिंग जो आप लिख रहे हैं, भारत में जो वर्तमान में मुकदमों की संख्या है, इसके आधार पर कितने जजेस भारत में होने चाहिए कि डे टू डे हियरिंग हो पाए। लेकिन हम वहां प्रोविजन हो जाता है, छोड़ देते हैं। हमारे सारे हड़ताल, हमारे पर जब सीधे कोई हमला होता है, आक्षेप होता है, हमारे हितों की हानि होती है, तभी हम करते हैं। जिस दिन से हम वकील बंधु, जिस दिन से हम अधिवक्ता साथी समाज के साथ हो रहे अन्याय के लिए व्यापक आंदोलन छेड़ देंगे, ये जनता हमारे साथ खड़ी हो जाएगी और हमें वैसे ही अपनी स्थिति पर बैठाएगी जैसे आजादी के पहले हमें नायक मानती थी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देश में अगर न्याय की मांग हम करेंगे तभी हमारे जिंदगी में उजाला आएगा, तभी हमें सम्मान मिलेगा, तभी हमें धन मिलेगा, तभी हमें समृद्धि मिलेगी, और तभी हमारे महत्व को समाज समझ पाएगा, और तब हम समझ पाएंगे कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। इसलिए हमको सबको संगठित होकर के, जितने भी लोग बार एसोसिएशन के पदों पर बैठे हैं, जो बार काउंसिल के पदों पर बैठे हैं, उन सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप सब इस पर चर्चा करिए, सोचिए,
जिससे कि देश के न्याय के लिए हम लोग लड़ाई करने का एक मौका पाएं और हमारे जरिए देश को न्याय मिल सके। जितनी ज्यादा जरूरत इस देश में चमचमाती सड़कों की है ना, उससे ज्यादा जरूरत देश में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की है। इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। लखनऊ में मेरे पास एक क्लाइंट है, उनके सास ससुर सब लोग उनको बहुत प्यार आदर देते हैं, केवल उनका पति दारू बाजा उनको पीटता मारता है, बहुत बुरी तरह मारता पीटता है। ससुर ने इजाजत दी थी कि बेटी किसी तरह से इससे तुम बचने का कोई उपाय कर। वो नहीं चाहती कि उसका पति जेल जाए। जुडिशियल सेपरेशन के लिए मैंने उसको सुझाव दिया और मैंने उसकी पिटिशन लखनऊ में फैमिली कोर्ट में लगा दी। जुलाई में पिटिशन लगाया, डेट दिसंबर में मिली है। जुलाई 2023 में मैंने केस लगाया है और डेट दिसंबर 2023 की मिल रही है। उसी में मैंने मेंटेनेंस की जो पिटिशन लगाई थी उसके लिए डेट सितंबर में मिल गई। यह अलग बात है, उसमें हड़ताल चल रही थी, सुनवाई नहीं हो पाई। मैंने जब जज साहब से संपर्क किया तो उन्होंने कहा हम कैसे लगा दें, हमारे पास आपके लिए अगला दिन यही है। तब मेरे समझ में आया, और मेरे समझ में आया मैं इसलिए कह रहा हूं, इससे आप सबको आम जनता जो सुन रही है समझ में आ जाएगा कि वकील लोग तिल का तार क्यों बनाने के लिए विवश होते हैं। अब अगर हम लिखते 498A का केस करते उसके नाम पे पति के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगा देते, तब पति के ऊपर थोड़ी जल्दी कार्रवाई होती, क्योंकि जज साहब लोग ये देख के डेट लगा रहे हैं कि कहां ज्यादा दर्द है उसको थोड़ा पहले लगा लो, जहां कम दर्द है उसको थोड़ा पीछे रख लो। ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उनकी संख्या कम है, उनके सामने मुकदमे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उसमें सबसे बड़ी जरूरत है, पहली जरूरत है, एकमात्र जरूरत है पर्याप्त संख्या में अदालतों का होना। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा कि सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर रही है। कोई भी सरकार पुलिस सुधार और न्यायपालिका सुधार के लिए धन क्यों नहीं खर्च कर रही है? बजट देखिए आप लोग, जुडिशरी का कितना सहाता है। इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमारी सरकारों में जो बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा मुकदमे इन्हीं के खिलाफ है। अगर कहीं कोई जमीन दबा के बैठा है तो कमजोर आदमी एक दबंग है, अगर कोई किसी का मर्डर करने के बाद भी चुनाव लड़ ले रहा है तो दबंग है कि कमजोर है। तो अन्याय करने वाले ही जब सरकारों में बैठ जाएंगे ज्यादा संख्या में तो वो न्याय के दीपक से तेल तो खत्म ही करेंगे। तो ठीक है, उनका अपना फायदा हो, कर रहे करने दीजिए, हमारा अपना फायदा तो दीपक में और तेल डालकर उजाला तेज कर देने से। हम उसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं, हमें इसके लिए सोचना होगा। और जिस दिन हम ऐसा कर लिए, संसद में भी सबसे ज्यादा हमारी ही मांग जनता करेगी कि हम में से ही संसद में भी लोग जाने चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।